बढ़ते हैं आगे। पानी में डूबने की वजह से लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं। एक तरफ रतिया भागड़ा नहर में एक विवाहित युवक ने ससुराल परिवार से खफा होकर नहर में छलांग लगा दी। बड़े भाई को भागड़ा नहर में छलांग लगाता देख छोटे भाई ने भी उसको बचाने की कोशिश की और पीछे से छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही भागड़ा नहर में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं उटावड़ गांव में घुड़ावली की पहाड़ी में अवैध खनन से बने तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दो बच्चों के एक साथ हुई मौत से गांव में मातम छा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बहीन थाना प्रभारी कृष्णकांत और उटावट पुलिस चौकी प्रभारी रामेश्वर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। दोनों बच्चे के शवों को तालाब से निकालकर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई कर दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है।